सेवेंथ क्लास, आज हम आपकी हनी कॉम इंग्लिश टेक्स्ट बुक के एट्थ लेसन फायर फ्रेंड एंड फो। तो फायर आग, फ्रेंड मित्र, फो शत्रु, आग शत्रु और मित्र, इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले, फायर आग इज़ है बहुत दोनों यूजफुल, लाभदायक एंड डेंजरस। तो आग जो है वो लाभदायक और ख़तरनाक दोनों है। व्हाट इज़ फायर, क्या है आग? हाउ, कैसे? डिड वी डिस्कवर, डिस्कवर मीन्स खोजना, वी हमने इसे, इट इसको खोजा। हाउ, कैसे? डू वी कंट्रोल, हम नियंत्रित करते हैं इट इसको। अर्ली मैन, आरंभिक मानव या आदि मानव, डिड नॉट नो, नहीं जानता था व्हाट फायर वॉज, क्या आग है, लेकिन ही मस्ट, उसने अवश्य हैव सीन, देखा होगा द डैमेज, नुकसान को, इट इसके कुड कॉज, कारण, इसके कारण हो सकने होने वाले या हो सकने वाले नुकसानों को अवश्य देखा होगा। उसने मस्ट, अवश्य हैव वॉच्ड, वॉच्ड मीन्स देखना, देखा होगा लाइटनिंग, बिजली चमकने को, एंड और वॉल्केनोज होते हैं ज्वालामुखी, लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले, ही बिगेन, उसने शुरू किया टू यूज़, प्रयोग करना फायर आग का, हिमसेल्फ, अपने लिए, तो अपने लिए आग का प्रयोग शुरू करने से बहुत पहले उसने बिजली और ज्वालामुखियों को देखा होगा। फायर वॉज, आग थी पावरफुल, शक्तिशाली एंड डेंजरस, और ख़तरनाक, और ही वह वॉज था फ्राइटेंड, भयभीत, वो इससे भयभीत था। फायर मे है पजल्ड, आग ने अवश्य पजल्ड पजल्ड उलझन में डाल दिया अर्ली मैन, आरंभिक मानव को, लेकिन वी हम नाउ अब नो जानते हैं दैट की फायर इज़ है, आग है, द रिजल्ट, परिणाम ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रियाओं का। व्हेन, जब, द ऑक्सीजन इन द एयर, हवा में ऑक्सीजन कंबाइंस मिलती है विद साथ कार्बन और हाइड्रोजन के इन अ फ्यूल, तो ईंधन में, फ्यूल ईंधन में हाइड्रोजन और कार्बन से मिलती है, तो एक केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक प्रतिक्रिया टेक्स लेती है प्लेस, स्थान, एनर्जी, ऊर्जा, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ताप के रूप में, एंड लाइट, और प्रकाश इज़ रिलीज्ड, और प्रकाश जो है वो इन दिस प्रोसेस, इस क्रिया में, इस प्रक्रिया में रिलीज्ड बाहर निकलता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर, और इसी को, दिस इज़, ये है जिसे हम आग कहते हैं। थ्री थिंग्स, तीन बातें आर नीडेड, तीन बातों की ज़रूरत होती है टू मेक, करने को या जलाने को फायर, आग, फ्यूल ईंधन, ऑक्सीजन एंड हीट और ताप। वुड, कोई लकड़ी, वो कोल, कोयला, कुकिंग गैस जो पकाने वाली गैस होती है, एंड पेट्रोल, और पेट्रोल, आर हैं सम एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण ऑफ फ्यूल ईंधन के। ऑक्सीजन कम्स आती है फ्रॉम द एयर, हवा से, दैट इज़ वाई, यही है, इसी कारण से, व्हेन, जब यू ब्लो, तुम फूंक मारते हो, ऑन स्मोल्डरिंग, स्मोल्डरिंग है देखिए, बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम, बिना लपट के जो धीरे धीरे जलता है, खाली उसमें वो निकलती है, धुआं निकलता है, आग नहीं दिखती है, तो बिना लपट के जलता है धीरे धीरे, तो ऐसे पेपर को, कागज़ को जब आप फूंक मारते हैं तो इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम, तो ये अक्सर क्या होता है, उसमें लपटें उठने लग जाती हैं। द थर्ड थिंग, तीसरी बात, नीडेड, ज़रूरत होती है टू मेक फायर, आग जलाने को, इज़ है हीट, ताप, गर्मी, फ्यूल ईंधन एंड ऑक्सीजन, डू नॉट मेक, नहीं बनाते हैं फायर आग को, नहीं जलाते हैं आग को बाय देमसेल्व, अपने आप से, और एल्स नहीं तो, इन न्यूज़पेपर, एक अखबार, और या अ स्टिक, एक लकड़ी, लाइंग पड़ी हुई इन द ओपन, खुले में, वुड कैच फायर, आग पकड़ लेती, ऑन इट्स ओन, अपने आप से, टू बर्न, जलाने को, अ पीस ऑफ पेपर, लकड़ी, सॉरी, कागज़ का टुकड़ा, और या वुड, लकड़ी, भी हम हीट गर्म करते हैं इट इसको, बिफोर, पहले, इट कैचेस फायर, इसके कैचेस पकड़ने से आग, पहले हम इसको गर्म करते हैं, वी जनरली, हम सामान्यतः, डू करते हैं इट इसको विद ए लाइटेड मैच, जलती हुई माचिस से। एवरी फ्यूल, प्रत्येक ईंधन हैज़, प्रत्येक ईंधन का होता है एक पर्टिकुलर विशेष टेम्परेचर, तापमान, एट विच, जिस पर इट, यह बिगिन, शुरू होता है टू बर्न, जलना,
दिस टेम्परेचर, ये तापमान इज़ है कॉल्ड कहलाता द फ्लैश पॉइंट, ज्वलन बिंदु, और किंडलिंग या ज्वलनशील तापमान ऑफ द फ्यूल, ईंधन का। इट इज़ समटाइम्स सेड, तो ये कभी कहा जाता था, किस समय कहा जाता था कि आग इज़ अ गुड सर्वेंट, एक अच्छा नौकर है, बट लेकिन एक बैड मास्टर, एक बुरा मालिक है। इट ओनली मीन्स, इसका केवल मतलब था कि आग इज़ है वेरी, बहुत यूज़फुल, लाभदायक, एज लॉन्ग एज, जब तक इट इज़ कैप्ट, इसे रखा जाता है अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी यूज़, हम प्रयोग करते हैं इट इज़ को टू कुक, पकाने को, आवर फूड, हमारा भोजन, वार्म, गर्म करने के लिए, आवर होम्स, अपने घरों को, इन विंटर, विंटर जाड़ों में, एंड टू, और जनरेट, जनरेट माने प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ, इफ़ यदि फायर, आग गेट्स आउट, हो जाती है, बाहर हो जाती है ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से, इट कैन बी, यह कैन सकती है, बी हो, वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक, ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, थाउजेंड्स, हज़ारों ऑफ होम्स, घर एंड शॉप्स और दुकानें, आर डैमेज्ड बाय फायर, आग से नुकसान हो जाता है, उनको नष्ट हो जाती हैं। वास्ट एरियाज, विस्तृत क्षेत्र, बड़े क्षेत्र ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के, आर हैं ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाते हैं, एंड हंड्रेड, सैकड़ों ऑफ पीपल, लोग, आर किल्ड, मारे जाते हैं, और या इंजर्ड, घायल हो जाते हैं। एस, जैसा कि केवल तीन चीज़ें आर नीडेड, नीडेड ज़रूरत होती हैं टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, फायर एक, आग को जलाने के लिए, तो दियर आर, यहाँ हैं तीन मुख्य ढंग इन विच, इसमें अ फायर, आग, कैन बी पुट आउट, बुझ सकती है। इन ईच, प्रत्येक में, वन ऑफ द थ्री थिंग्स, तीन बातों में से एक में, प्रत्येक में नीडेड, ज़रूरत होती है फॉर बर्निंग, जलने के लिए, इज़ टेकन अवे, तो प्रत्येक में तीन चीज़ों में से एक को जो है टेकन अवे, हटा लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के फॉर लिए, वी कैन, हम सकते हैं टेक अवे, हटाना द फ्यूल, ईंधन को, हम ईंधन को हटा सकते हैं। इफ़ यदि द फायर, आग में, हैज़ नो फ्यूल, आग के पास ईंधन ना हो, टू फीड ऑन, देने के लिए या जलाने के लिए, तो नो बर्निंग, कोई जलना, कैन टेक प्लेस, कोई जलना जगह नहीं ले सकता है, यानी तो उसमें, यानी कि आग लगेगी ही नहीं। वी ऑफन, हम अक्सर, लेट ए फायर डाई आउट, हम आग को डाई आउट, बुझाते हैं, सिंपली, साधारणतया, बाय नॉट एडिंग, डालकर, मोर फ्यूल टू इट, इसमें और ज़्यादा, मोर फ्यूल, और ज़्यादा, अधिक ईंधन न डालकर, हम इसे अक्सर डाई आउट बुझाते हैं। द सेकेंड वे, दूसरा ढंग ऑफ पुटिंग आउट ए फायर, एक आग को बुझाने का, इज़ है टू प्रिवेंट, रोकना, ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, इस तक रीचिंग पहुंचने से, ऑक्सीजन को रोकना है। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति न होना का मींस, मतलब है नो फायर, आग नहीं जलना। स्मॉल फायर, छोटी आग, कैन बी पुट आउट, बुझाए, पुट आउट, बुझाना, कैन बी, बुझाई जा सकती है, और स्मॉदर्ड, स्मॉदर्ड यानी सफोकेटेड, रोक देना, हवा को, हवा की कमी, विद ए डैम्प ब्लैंकेट और ए सैक, तो एक भीगे हुए कंबल या बोरे को से रोक कर, हवा को रोक कर, दिस, ये स्टॉप्स, रोक देती है, ये रोक देती है ऑक्सीजन को रीचिंग पहुंचने में, द बर्निंग मटेरियल, जलती हुई वस्तु तक पहुंचने में रोक देती है। समटाइम्स, किसी समय, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड, प्रयोग की जाती है टू एक्सटिंग्विश, बुझाने के लिए फायर, आग, इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देती है, टू रीच, पहुंचना, तो ये जलती हुई वस्तु के पास ऑक्सीजन को पहुंचने में, पहुंचने नहीं देती है। द थर्ड वे, तीसरा ढंग ऑफ पुटिंग आउट, आग बुझाने का है, इज़ टू रिमूव द हीट, आग को, सॉरी, गर्मी को हटा देना, ऊष्मा को हटा देना, इफ़ द टेम्परेचर, यदि तापमान, कैन बी ब्रॉट डाउन, नीचे लाया जा सकता है, बिलो द फ्लैश पॉइंट, ज्वलन बिंदु से नीचे लाया जा सके, तो फ्यूल जो है वो, ईंधन है, स्टॉप्स, रुक जाता है, बर्निंग, जलना, यू ब्लो, तुम फूंक मारते हो, ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई माचिस की तीली पर, और एक कैंडल या मोमबत्ती पर, टू पुट इट आउट, इसको
बुझाने के लिए. इन डूइंग सो, ऐसा करने में. यू, तुम. रिमूव, हटाते हो. हॉट एयर, गर्म हवा को. अराउंड द फ्लेम, लपट के आसपास से. अराउंड आसपास से. ब्रिंगिंग डाउन, नीचे. ब्रिंगिंग, लाने को. इट्स टेम्परेचर, इसका तापमान. बिलो, नीचे. द फ्लैश पॉइंट, ज्वलन बिंदु से नीचे लाने के लिए. एंड द कैंडल, और मोमबत्ती गोज आउट, बुझ जाती है. समटाइम्स, किसी समय. वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, पानी जो है वो आग पर बौछार की जाती है उसकी. तो इट एब्जॉर्ब्स, ये सोख लेता है हीट, गर्मी को. फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, जलते हुए ईंधन से सोख लेता है. एंड लोअर्स, और कम कर देता है टेम्परेचर, तापमान को. द ब्लैंकेट ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी की जो बौछार पड़ रही है वो एक चादर जैसी बन जाती है. ऑल्सो भी कट्स ऑफ, काट देती है. द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आपूर्ति को, जो एक चादर जैसी बन जाती है पानी की बौछार करते समय, वो भी ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देती है. और फायर इज एक्सटिंग्विश, और आग जो है वो बुझ जाती है. सम फायर्स, कुछ आग. कैन नॉट बी पुट आउट, नहीं. कैन नॉट बी नहीं बुझाई जा सकती, पुट आउट बुझाना हो गया, नहीं बुझाई जा सकती. विद वाटर, पानी से. इफ़, यदि. वाटर इज स्प्रेड, पानी की बौछार की जाती है. ऑन टू एन ऑयल फायर, तो तेल की आग के ऊपर यदि उसकी बौछार की जाती है, तो ऑयल, तेल जो है वो विल फ्लोट, ऊपर आ जाता है, तैरने लगता है. टू द टॉप ऑफ द वाटर, पानी के ऊपर तैरने लगता है. और कंटिन्यू टू बर्न, और लगातार जलता रहता है. दिस कैन बी, ये हो सकता है. वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक. बिकॉज, क्योंकि. वाटर, पानी जो है वो कैन फ्लो क्विकली, तेज़ी से क्या होता है, बह सकता है. कैरिंग, लिए हुए. बर्निंग ऑयल, जलते हुए तेल को. विद इट, अपने साथ. और स्प्रेडिंग, फैल जाता है, फैलाता है, सॉरी. द फायर, आग को. वाटर शुड, पानी शुड चाहिए. ऑल्सो भी, नॉट नहीं. बी यूज ऑन फायर्स, ऑन कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, तो बिजली के जो संसाधन होते हैं, बिजली के जो उपकरण होते हैं, उनके द्वारा जो आग लगती है उस पर पानी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. द पर्सन, जो व्यक्ति स्प्रेइंग वाटर, पानी को छिड़कता है, पानी की बौछार करता है, माइट रिसीव, प्राप्त कर सकता है एन इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका. और बी किल्ड, मारा जा सकता है. अ कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जो होता है, बुझाने वाला यंत्र होता है, इज़ द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ है टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, तो बिजली की जो आग है उससे लड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है. वी स्पेंड, हम खर्च करते हैं. मिलियंस, लाखों रुपये. ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष. इन फाइटिंग फायर्स, आग से लड़ने में. एंड वी स्पेंड, और हम खर्च करते हैं. मोर, इससे ज़्यादा. ट्राइंग, कोशिश करते हुए. टू फाइंड, पाने की. न्यू वेज, नए ढंग. ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स, प्रिवेंटिंग, रोकने को, आग रोकने को. फ्रॉम से, हैपनिंग, घटित होने. एंड गेटिंग आउट, और नियंत्रण से बाहर होने के. नए कारणों को ढूंढने में हम इससे ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं. ऑन द होल, पूरी तरह से. वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर. ऑन द होल, संक्षिप्त में या पूरी तरह से. वी हैव लर्नड, हम सीख चुके हैं. रादर वेल, वेल अच्छी तरह से. टू कंट्रोल फायर, आग को नियंत्रित करना. एंड पुट इट टू गुड यूज़, और उसको अच्छे प्रयोग में, गुड यूज़, अच्छे प्रयोग में पुट इट रखना. इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में. लॉन्ग एगो, बहुत पहले. दियर वर नो फायरमैन, कोई ऐसे आग बुझाने वाले व्यक्ति नहीं होते थे. वैन, जब. फायर ब्रोक आउट, आग लग जाती थी. एवरीबडी, हर कोई बिकेम, बन जाता था फायर फाइटर, आग से लड़ने वाला. पीपुल फॉर्म, लोग बनाते थे. ह्यूमन चेन्स, मानव श्रृंखला. दे स्टिल डू इट, वे अब भी डू करते हैं. इफ़ या रिक्वायर्ड, यदि आवश्यकता होती है. एंड पास्ट, और पास करते थे, यानी एक दूसरे को देते थे. बकेट्स, बाल्टियाँ. ऑफ वाटर, पानी की. फ्रॉम ए वेल, कुएं से. और ए पॉन्ड, और या तालाब से. टू द ब्लेज, लपटों तक, जहाँ को आग लग रही होती थी. ब्लेज, ज्वाला, लपट. नाउ, अब. देयर आर लॉज, अब कई नियम हैं. अबाउट, बारे में. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इमारतों के निर्माण के बारे में कई नियम हैं. विद, जो इंश्योर, सुनिश्चित करते हैं. कि स्पेस, जगह. इज लेफ्ट, छोड़ी गई. बिटवीन, बीच में. बिल्डिंग्स, इमारतों के को. टू रिड्यूस, घटाने को. द फायर रिस्क,
आग के खतरों को घटाने के लिए इमारतों के बीच में जगह छोड़ी छोड़ी जाना सुनिश्चित करते हैं। एवरी न्यू बिल्डिंग, प्रत्येक नई इमारत में स्पेशली विशेष तौर से अ पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थानों में मस्ट इंश्योर अग्निरोधी नियमों के मानदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इंश्योर, सुनिश्चित किया जाना चाहिए, मानदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो मानदंड ऑब्जर्वेंस, बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स, तो आग से लड़ने के जो कार्यकर्ता का दल दल विद स्पेशल इक्विपमेंट्स, विशेष उपकरणों के साथ नोन जाना जाता है एज फायर ब्रिगेड्स, तो अग्निशमन कर्मचारियों के रूप में जाना जाता है। आर दियर वहाँ होते हैं टू पुट आउट फायर्स, आग को बुझाने के लिए। फायर फाइटर्स, आग से लड़ने वाले आर हैं हाईली बहुत ही उच्च तरीके से ट्रेंड प्रशिक्षित लोग। दे पोजेसेस मैनी स्किल्स, वे कई कुशलताओं को पोजेसेस धारण करते हैं। दे कट ऑफ, वे काट देते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिजली की आपूर्ति। नॉक डाउन, गिरा देते हैं। डेंजरस वॉल्स, खतरनाक दीवारों को नीचे गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर, पानी का छिड़काव करते हैं। एंड अदर मटेरियल्स, और दूसरी वस्तुओं का टू ब्रिंग लाने के लिए फायर, आग को अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में। दे आर, वे हैं ऑल्सो भी ट्रेंड प्रशिक्षित इन फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार में। सो जिससे कि दे वे कह सकते हैं हेल्प, मदद मदद कर सकते हैं पीपल, लोगों की। सफरिंग फ्रॉम बर्न्स, जले से, और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, धुएं से प्रभावित, और जले जले हुए जले से घायल लोगों की मदद कर सकते हैं। द डिस्कवरी, आग की सॉरी फायर, आग की खोज और उसके प्रयोगों ने हेल्प मदद की अर्ली मानव, प्रारंभिक मानव, आदि मानव की टू कोप, सामना करने में विद नेचर, प्रकृति के साथ बेटर और अच्छे ढंग से, एंड ग्रेजुअली और धीरे धीरे एडॉप्ट, ग्रहण करने में अ सेटल्ड मूड, जीवन के व्यवस्थित ढंग को ग्रहण करने में। फायर, आग इज है स्टिल अब भी वर्शिप्ड, पूजी जाती इन मैनी पार्ट्स, कई भागों में ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। फायर इज इंडीड, आग इज है इंडीड वास्तव में, अ फ्रेंड, एक दोस्त, बट लेकिन एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इट कैन बी ए, हो सकती है, डेंजरस, खतरनाक, एनिमी, शत्रु। वंस, एक बार, इट ये गेट्स आउट, बाहर हो जाए, ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।